हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, डेली की तरह मैं बेस्ट क्वेश्चनों का सीरीज लेके आ गई हूँ। आप सभी भी रेडी हो जाइए अपना अपना स्कोर चेक करने के लिए, जो भी आपने अभी तक थ्योरी सेशन पढ़ा है। यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम, चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी हो, यूपी एलटी ग्रेड हो, एमपी टेट हो, एमपी सुपर टेट हो, चाहे अदर स्टेट की टीजीटी पीजीटी हो, केवीएस एनवीएस हो, यूजीसी नेट हो, कोई भी कंपटीशन एग्जाम फिजिकल एजुकेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मेरे चैनल पे सभी टॉपिक के थ्योरी सेशन, एमसीक्यू प्रैक्टिस, वन लाइनर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस एंड डेली बेसिस में जो 8 से 9 हज़ार क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करा रही हूँ, सभी चीज़ें आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो दोस्तों, समय नष्ट न करते हुए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आप डेली बेसिस पर प्रैक्टिस कीजिए मेरे चैनल पर, क्योंकि सभी एग्जाम्स आने वाले हैं, आपके पास टाइम नहीं है, इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए एंड चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, कसरतों की अपर्याप्त मात्रा इनकी ओर इंगित करती है। तो यहाँ पे अपर्याप्त मात्रा की ओर इंगित करने के लिए बोला है। तो यहाँ पे मांसपेशी जब छोटी हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, यहाँ पे आपका इंगित करता है हाइपोकाइनेटिक का। हाइपो मतलब कम होता है, हाइपर मतलब ज़्यादा होता है। तो जहाँ पे कम या अपर्याप्त होने की बात आए, वहाँ पे हाइपो शब्द जहाँ पे दिखे वहाँ टिक लगा दीजिएगा, तो हाइपोकाइनेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो को जनक के रूप में माना जाता है। तो दोस्तों, प्लेटो को आदर्शवाद यानी कि आइडियोलॉजी के जनक के रूप में माना जाता है एंड प्रकृतिवाद के जनक हैं रूसो, यथार्थवाद के अरस्तु एंड वास्तविकतावाद यानी कि प्रैग्मेटिज्म यानी प्रयोगवाद के जॉन डिवी हैं। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की प्रथम सभा कहाँ पे हुई थी। तो यह हुई थी 23 जून 1894 में फ्रांस में हुआ था और इसको आयोजित कराया था बैरन पियर डी कुबर्टिन ने, आधुनिक ओलंपिक को शुरुआत करने के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट है, स्किनर ने प्रस्तुत किया था। दोस्तों, स्किनर ने सक्रिय अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत को दिया था, जिसे सीखने का ऑपरेंट अनुकूलन सिद्धांत भी बोला जाता है। इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, समूह गतिशीलता शब्द से क्या तात्पर्य है। तो समूह गतिशीलता शब्द से तात्पर्य है, गतिशीलता किसमें आएगी, जब जिसके अंदर ऊर्जा और शक्ति होगी, तो क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर घ राइट होगा, कि समूह की ऊर्जा एवं शक्ति को इंगित करता है समूह की गतिशीलता शब्द। नेक्स्ट है कि पारस्परिक तंत्रिका भरण यानी रेसिप्रोकल इनर्वेशन को कहा जाता है। तो दोस्तों, जब एगोनिस्ट मांसपेशियों का संकुचन और अंटागोनिस्ट मांसपेशियां आराम करती हैं, तो इस स्थिति को रेसिप्रोकल इनर्वेशन कहा जाता है, पारस्परिक तंत्रिका भरण। एगोनिस्ट क्या होता है, जब संकुचन के समय जो मांसपेशी मुख्य भूमिका अदा करती है उसको एगोनिस्ट कहते हैं, जो उसके विपरीत भूमिका अदा करती है उसे एंटागोनिस्ट करते हैं। जैसे हम हाथ को मोड़ रहे हैं, फ्लेक्शन कर रहे हैं, तो उसको मोड़ने में मुख्य भूमिका कौन निभा रहा है, बाइसेप्स मसल्स, और बाइसेप्स मसल्स क्या हुआ, एगोनिस्ट हो गया, और उसके विपरीत भूमिका कौन निभा रहा है, तो ट्राइसेप्स मसल्स, तो ट्राइसेप्स हो गया आपका एंटागोनिस्ट। तो इस स्थिति को हम कहेंगे रेसिप्रोकल इनर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों की बायोप्सी तकनीक इनमें से क्या निश्चित करने के लिए प्रयोग लाई जाती है। तो मांसपेशियों की जो बायोप्सी तकनीक के द्वारा मांसपेशियों के तंतुओं के प्रकार को देखा जाता है, पता लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, ATP मांसपेशियों के संकुचन में उपयोग होती है। तो दोस्तों, यह तत्कालिक ऊर्जा का स्रोत होता है, इमीडिएट सोर्स होता है। जैसे कि आप एनएरोबिक क्रियाओं में जो स्प्रिंट दौड़े होती हैं, जो हमारे अंदर ऊर्जा पहले से बना हुआ है, ATP के रूप में मौजूद है, वही ऊर्जा एनएरोबिक एक्सरसाइज में या क्रिया में प्रयुक्त हो जाती है, उपयोग हो जाता है। जबकि एंड्योरेंस में क्या होता है, एंड्योरेंस वाले खेलों में, कि
जो शरीर ऊर्जा बनाते हुए कार्य करती है। नेक्स्ट है दुरुस्ता यानी फिजिकल एफिशिएंसी के अभाव में कौन सा कारण है। तो फिजिकल एफिशिएंसी के अभाव में कौन सा कारण हो जाएगा दोस्तों, हमारे मांसपेशियों में ऐंठन होने लगेगा, हमारी मांसपेशियों में एक फ्लो नहीं रहेगा। तो नेक्स्ट है मीडियल मेनिस्कस की चोटें इनमें सामान्य होती है, तो यह चोटें फुटबॉल के खिलाड़ी में सामान्य होती है। नेक्स्ट है कूनी संधि यानी एल्बो ज्वाइंट इन हड्डियों से बनी होती है। तो जो दोस्तों जो हाथ की कूनी होती है, एल्बो होती है, तो अंगूठे की तरफ से जाती है रेडियस एंड छोटी उंगली की तरफ अलना, ऊपर से बांह की तरफ से आती है ह्यूमरस, ये तीनों जुड़ती है एल्बो के पास, तो यही तीनों मिलकर के बनाती है एल्बो यानी कि कूनी को। तो ऑप्शन नंबर गो यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है रेखीय गति, लाइनर मोशन एक उदाहरण है। तो लाइनर मोशन रेखीय गति मतलब सीधी रेखा में गति होगा, तो यहाँ पे आपका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा एकदम सीधी दौड़। ठीक है, सीधी दौड़। नेक्स्ट है प्राथमिक स्कूल में प्रवेश की देरी से इन पर बल दिया जाना चाहिए, तो किस पर बल देना चाहिए। तो आत्मविकास पर, एक समूह के सदस्य के रूप में व्यक्ति का विकास, इन दोनों पॉइंट पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है विद्यालय के स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम में इनमें से कौन सा संबंधित नहीं है, ये आपको बताना है। तो स्वास्थ्य शिक्षा आप विद्यालय में दे सकते हैं, स्वास्थ्य विज्ञान के बारे में बता सकते हैं, स्वास्थ्य रिकॉर्ड का रख रखाव कर सकते हैं, बट बीमारियों का इलाज वहां पे नहीं आएगा। नेक्स्ट है माइक्रोसाइकिल की अवधि इनमें से क्या है। तो अवधिकालीनता के अंतर्गत तीन ट्रेनिंग साइकिल आते हैं, मैक्रो चक्र, मीजो चक्र एंड माइक्रो चक्र। मैक्रो चक्र 12 माह का होता है, मीजो चक्र 3 से 6 सप्ताह का होता है एंड माइक्रो चक्र 3 से 10 दिन यानी 1 सप्ताह का होता है, सबसे छोटा चक्र होता है। तो यहाँ भी ऑप्शन नंबर गो राइट होगा, माइक्रो साइकिल की अवधि कितनी होती है, 3 से 10 दिन। नेक्स्ट है तेज अनुकूलन प्रक्रिया एडॉप्टेशन प्रोसेस इनमें से किसमें होती है। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा नौसिखिया यानी कि बिगिनर। इस क्वेश्चन का आंसर आपको देखना है क्योंकि इसे बिगिनर दिया हुआ है तेज अनुकूलन, तो क्या बिगनर में तेज अनुकूलन होगा कि जो एक एक्सपीरियंस्ड होगा यानी कि अनुभवी होगा उसमें तेज अनुकूलन होगा। तो मेरे हिसाब से अनुभवी के पास तेज अनुकूलन होना चाहिए, बट यहाँ पे नौसिखिया दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप ढूंढिएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है परीक्षा एवं पुनः परीक्षण की विधि यानी टेस्ट एंड रीटेस्ट विधि में इनमें से क्या निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो रिलायबिलिटी यानी विश्वसनीयता ज्ञात करने के लिए टेस्ट एंड रीटेस्ट मेथड किया जाता है कि बार बार परीक्षा करो और परिणाम एक जैसा आए तो माना जाता है कि वह रिलायबल है। और वैधता किसे कहा जाता है कि जिस चीज के लिए, जिस चीज को मापने के लिए बनाया गया है वही चीज मापे तो बोला जाता है कि वह वैलिड है। वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिविटी क्या कहा जाता है कि बहुत सारे लोगों को उसके परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए उसके स्पेशलिस्ट को बुलाया जाता है और सभी स्पेशलिस्ट जो होते हैं एक ही जैसा निर्णय अपना देते हैं, तो माना जाता है कि वह वस्तुनिष्ठ है। नेक्स्ट है विवरण के मानक विचलन स्टैंडर्ड डिविएशन करने के लिए संक्षिप्त विधि का प्रयोग करते हुए इस प्रकार आकलन किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है क, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपान एन। नेक्स्ट है रोजर्स बल परीक्षण इनमें से किसमें निहित है। तो रोजर्स बल परीक्षण जो है यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा घ, यानी कि हैंड ग्रिप टेस्ट, लेग स्ट्रेंथ टेस्ट, बैक स्ट्रेंथ टेस्ट 1, 2 एंड 3 आपका राइट है। नेक्स्ट है
हैवी टेनिस टेस्ट में शामिल है। तो हैवी टेनिस टेस्ट में क्या शामिल है? तो इसमें है फोर हैंड ड्राइव प्लेसमेंट एंड बैक हैंड ड्राइव प्लेसमेंट एंड सर्विस प्लेसमेंट, 1, 3 और 4 शामिल है। नेक्स्ट है, मिलान करना है आपको एक और टू में। तो यहाँ पे है क्रॉस वेबर टेस्ट। तो क्रॉस वेबर टेस्ट 1954 में बनाया गया न्यूनतम मांसपेशी क्षमता को मापने के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा मांसपेशियों की ताकत 1/4 हो जाएगा। एंड JCR टेस्ट जो है मोटर स्किल एबिलिटी को मापता है, तो B/3 हो जाएगा। तो 1/4 B/3 यहाँ पे ग ऑप्शन दिख रहा है। एंड टटल पल्स रेटियो टेस्ट, आपको पता है कि यह WW टटल ने बनाया था 1930 में कार्डियो रिस्पायरेटरी एंड्योरेंस को मेजर करने के लिए। तो C/2 हो जाएगा। एंड मिलर वाल वाली टेस्ट बैडमिंटन से रिलेटेड है, ये स्किल टेस्ट है। तो D/1 हो जाएगा। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर ग राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को 2 के साथ फिर से मिलान करना है। ऑक्सीजन जो है वो हमारे वायुमंडल में पाया जाता है 21%। तो 1/1 हो जाएगा। एंड कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वातावरण में 0.03% पाया जाता है, यहाँ पे दिया है 0.04%। ये आपका राइट हो जाएगा, B/2। एंड सी है नाइट्रोजन, हमारे वातावरण में 78 से 79% पाया जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा गलत दे दिया है, 0.79%, यहाँ पे 79% सीधे रहेगा, 0. नहीं रहेगा। तो C/3 हो जाएगा। धूल के कण कुछ मात्रा में भी जाते हैं इसको अंदर जब हम श्वास लेते हैं, तो यहाँ पे आपके ऑप्शन नंबर क राइट हो जाएगा। लेकिन यही जब हम श्वास लेते हैं तब इसकी मात्रा, जो वायुमंडल में गैसों की मात्रा होती है उसी मात्रा में हम श्वास लेते हैं। बट श्वास को बाहर निकालते समय ऑक्सीजन तो जाता है 21%, बट वापस आ जाता है 16%, यानी कि 5-6% यूज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% जाता है, बट वापस आता है 4.04%, यानी आप शरीर के अंदर जो भी ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड होता है उन सबको लेकर के आता है, इसलिए बढ़ करके आता है। नाइट्रोजन जो है 78 से 79% जाता है, पूरा का पूरा वापस आ जाता है, उसका कोई उपयोग नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कौशलों को विद्यालय में इस प्रकार पढ़ाया जा सकता है। तो किस प्रकार पढ़ाया जा सकता है? तो यहाँ पे प्राथमिक उपचार के रूप में, दवा नुस्खा के रूप में, सुरक्षा शिक्षा के रूप में इसको पढ़ाया जा सकता है। स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कौशलों को यहाँ पे प्राथमिक उपचार कैसे किया जाता है, दवा नुस्खा कैसे किया जाता है, सुरक्षा शिक्षा, ये सब थोड़ी बातें बच्चों को प्राथमिक रूप से सिखाया जा सकता है। नेक्स्ट है, बाइसेप्स मांसपेशी फोर आर्म से जुड़ी होती है, यह क्या कार्य करती है? तो दोस्तों बाइसेप्स मांसपेशी जो होती है वह हाथ को मोड़ने में काम आती है। जैसा कि मैंने उत्तोलक पढ़ाते समय बताया है कि फर्स्ट प्रकार के उत्तोलक में एक्सिस जो है बीच में होता है रेसिस्टेंस एंड फोर्स के बीच में, तो उसमें आपका फोर आर्म एल्बो फ्लेक्स एक्सटेंशन आता है, यानी कि हाथ को सीधा करना यानी कि फैलाना, जिसमें ट्राइसेप्स मसल मुख्य भूमिका अदा करती है। एंड बाइसेप्स मसल जो है हाथ को मोड़ने में काम आती है। ये आपका तृतीय प्रकार के उत्तोलक में आ जाएगा। जब भी हाथ को मोड़ने की बात करें तो तृतीय प्रकार का उत्तोलक, हाथ को फैलाने की बात करें तो प्रथम प्रकार का उत्तोलक होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ग राइट हो जाएगा, तृतीय प्रकार का उत्तोलक। नेक्स्ट है PBOBES, इनसे इनमें से किसके लिए है? तो ये आपका शॉर्ट फॉर्म है, इसको फुल फॉर्म आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा घ, यानी योजना कार्यक्रम बजट ये मूल्यांकन व्यवस्था के लिए है। नेक्स्ट है
प्रथम चार विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिता के आयोजित देशों को क्रम में लिखिए। यहाँ पे हो जाएगा सबसे पहला आपका फीफा वर्ल्ड कप हुआ था 1930 उरुग्वे में। कहाँ पे हुआ था? उरुग्वे में। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा घो आपका हो जाएगा उरुग्वे में हुआ था, उसके बाद इटली में, उसके बाद फ्रांस में, फिर ब्राजील में। दोस्तों 2022 में फीफा वर्ल्ड कप हुआ है दोहा कतर में, और इसमें विजेता है अर्जेंटीना। विजेता कौन है? अर्जेंटीना, ये ध्यान में रखिएगा। एंड 2026 का फीफा वर्ल्ड कप होगा संयुक्त राज्य अमेरिका, मेक्सिको, कनाडा में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊंची कूद के प्रतियोगियों के क्रमबद्ध स्थानों का सही क्रम निश्चित करें। तो यहाँ पे आपको सही क्रम निश्चित करना है, तो यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी राइट, यानी कि प्रथम पर एस है, ठीक है, एंड सेकेंड स्थान पर आर है, एंड थर्ड पर बी है। तो इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेंटाथलॉन इवेंट निम्नलिखित में से किस क्रम में होते हैं। तो दोस्तों पेंटाथलॉन जो है यह, इसमें पांच इवेंट होते हैं, एक ही दिन में संपन्न होता है, महिला पुरुष दोनों के लिए होता है। इसमें पांच इवेंट होते हैं, पहला होता है तलवारबाजी, दूसरा तैराकी फ्री स्टाइल, एंड तीसरा हॉर्स रेस यानी घोड़ा कूदना, एंड चौथा निशानेबाजी, और पांचवा क्रॉस कंट्री दौड़। लेकिन यहाँ पे कोई भी ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया है, मिस पॉइंट हो गया है, मिस प्रिंट हुआ है, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं होगा। तो आप जान लीजिए, इसका मैंने ट्रिक बनाया हुआ था, आप इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए हेप्टाथलॉन, डेकाथलॉन, पेंटाथलॉन, ट्राइथलॉन चारों के बारे में डिटेल में ट्रिक के साथ जानने के लिए, सिक्वेंस बाई याद हो जाएगा आपको एक ही बार में वीडियो देखने के बाद। तो उस वीडियो को जरूर देखिए, एथलेटिक्स वाले प्लेलिस्ट में जाइए और इस वीडियो को देखिए। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं दिया है। तो जान लीजिए पहला में है, सीक्वेंस बाई पांच इवेंट होते हैं, पेंटा थलान, पेंटा मतलब पांच, थलान मतलब पांच पत्तियां। तो पांच इवेंट है, तलवारबाजी, तैराकी, घोड़ा कूदना, निशानेबाजी, क्रॉस कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम चार ओलंपिक खेलों के मेजबानी करने वाले देशों का क्रम बताइए। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, एथेंस, पेरिस, 1896 में हुआ था शुरुआत आधुनिक ओलंपिक खेल एथेंस में, फिर 1900 पेरिस फ्रांस में हुआ था, फिर 1904 सेंट लुइस में, फिर 1908 लंदन में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है ओलंपिक आदर्श वाक यानी जो मोटो है उसका सही क्रम बताइए, सीटियस, अल्टियस, फोर्टियस। ओलंपिक आदर्श वाक को दिया था हेनरी डिडॉन ने, तो सीटियस, अल्टियस, फोर्टियस, फोर्टियस जिसका अर्थ होता है फास्टर, हायर, स्ट्रांगर यानी और तेज और ऊंचा और बलशाली। इसके साथ एक चौथा वर्ड भी जुड़ गया है, सीटियस, अल्टियस, फोर्टियस, कम्युनेटर यानी इसका होता है मतलब टुगेदर यानी कि साथ में। नेक्स्ट है अच्छे पाठ प्रस्तुतिकरण का सही चरणों में क्रमबद्ध लिखें। तो इसका राइट आंसर होगा क, यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे उसकी भूमिका को बताएंगे, अच्छे पाठ के प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं सबसे पहले उसकी भूमिका बताएंगे कि हम क्या करने जा रहे हैं, उसके बाद क्या करेंगे उसकी व्याख्या करेंगे, उसके बाद प्रदर्शन करेंगे, उसके बाद अभ्यास कराएंगे, उसके बाद उसका अवलोकन या परीक्षण यानी मूल्यांकन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा के विभिन्न कालों को क्रमानुसार लिखिए। तो सबसे पहले दोस्तों आया था सिंधु सभ्यता काल, यानी सबसे पहले टू आपका हो जाएगा, उसके बाद आया था वैदिक काल, टू के बाद वन हो जाएगा, ठीक है।
फिर आपका आया था हिंदू काल, उसके बाद मध्यकाल, ठीक है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर ख राइट होगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे आपको सूची वन के साथ सूची टू को मिलान करना है, तो यहाँ भी आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ राइट होगा, यानी कि अजमेर सिंह जो है वह एथलेटिक्स रिलेटेड है, दिलीप तिर्की जो है ये है हॉकी से रिलेटेड, महेश भूपति आप सब जानते हैं टेनिस से रिलेटेड है, परमजीत सिंह जो है वह बास्केटबॉल से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, यहाँ भी आपको मिलान करना है, तो देखते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार आप सबको पता है कि एक कोच को प्रशिक्षक को दिया जाता है, एंड उदयन पंडित पुरस्कार जो है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में दिया जाता है, वीर चक्र जो है वह सोल्जर को दिया जाता है, भारत रत्न जो है ये भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है तो सिविलियन को दिया जाता है। इसी प्रकार ऑप्शन नंबर ग राइट है। नेक्स्ट है, यहाँ भी आपको मिलान करना है, तो वॉलीबॉल से संबंधित कौन है, लिब्रो, लिब्रो खिलाड़ी होता है वॉलीबॉल में, तो ए का टू, एंड टेनिस में डबल फॉल्ट होता है तो डी का फोर, तो ए का टू डी का फोर किस में है, ऑप्शन नंबर ख में है, ऑप्शन नंबर ख में है, एंड बी है बास्केटबॉल, बास्केटबॉल जंप बॉल से रिलेटेड हो जाएगा, बी का वन हो जाएगा, एंड गोल्फ जो है पार से संबंधित है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ख आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, डोपिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस है कि सतर्कता यानी एकाग्रता बढ़ाने वाला ड्रग्स कौन सा है, तो एकाग्रता बढ़ाने वाला ड्रग्स है आपका बीटा ब्लॉकर, क्या है, बीटा ब्लॉकर, एकाग्रता बढ़ाने वाला ड्रग्स है बीटा ब्लॉकर। ये क्या करता है बीटा ब्लॉकर कि हृदय धड़कन को कम कर देता है, रक्तदाब हृदय को सामान्य बनाए रखता है, इसके सेवन से शरीर में कंपन बंद हो जाता है कुछ समय के लिए, जिससे यह निशाने ध्यान लगाने वाले खेलों जैसे कि तीरंदाजी, शूटिंग आदि में आदि वाले खिलाड़ी इसको ज़्यादा डोपिंग के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन बाद में इसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, बाद में यही सब चीज़ें उल्टा हो जाता है, ठीक है। एंड आपका मनोवैज्ञानिक उत्तेजना यानी साइको मोटर स्टिमुलेंस किसे कहते हैं, तो उसको बोला जाता है स्टिमुलेंस यानी कि उत्तेजक को, तो ए का वन हो जाएगा, ए का क्या होगा वन होगा, बी का फोर होगा, एंड ए का वन, यहाँ पे ऑप्शन कोई भी सही नहीं दिया है, मैं गलत ऑप्शन लगा रही हूँ, तो ए का वन हो जाएगा, बी का फोर हो जाएगा, ठीक है। एंड सी क्या है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, तो एनाबोलिक स्टेरॉइड को टेस्टोस्टेरोन के समान समझा जाता है जो मसल्स पावर को बढ़ा देता है। एंड उत्तेजित अनुक्रिया, इसका आपका सही नहीं दिया है, जो उत्तेजित अनुक्रिया यानी कि नार्कोटिक्स, अब इसका हो जाएगा एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, नार्कोटिक्स एनालाइजर, तो नार्कोटिक्स क्या होता है, नार्कोटिक्स जो होता है एक नशीली दवा होता है, यह पापी नामक पौधे से निकले हुए ओपियम यानी अफीम से तैयार किया जाता है, ये सबसे बड़ा दर्द निवारक प्रभाव पेन किलिंग इफेक्ट छोड़ता है। ये क्या होता है कि उन खेलों में सबसे ज़्यादा अधिक प्रयोग किया जाता है जिसमें दर्द होने की संभावना होती है, जैसे भारोत्तोलन, मुक्केबाजी आदि। इसको एगोजेनिक एड्स दुर्ग नहीं माना जाता है। कभी कभी क्या होता है कि भारोत्तोलन में भार उठाते समय आवश्यकता से अधिक भार उठा लिया जाता है जिससे पेशियां टूट जाती हैं, और ऐसी चोट को करियर एंडिंग इंजरी कहा जाता है, क्योंकि दर्द होता ही नहीं है, आवश्यकता से अधिक भार उठा लिया जाता है और लोगों की मृत्यु भी हो जाती है, जैसे कि 1963 में बाल्टीमोर कोर्ट्स की मृत्यु हुआ था नार्कोटिक्स लेने थे,
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर गो आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है योग से रिलेटेड क्वेश्चन है, अष्टांग योग यानी कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये अष्टांग योग पतंजलि के अष्टांग योग के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें आपका सबसे पहले जो आपको आ रहा है एग्जैक्ट उसको लगाइए। तो प्राणायाम, जैसे कि हम जानते हैं प्राणायाम प्राण धन आयाम यानी कि श्वास पर नियंत्रण करना ही प्राणायाम होता है, तो बी का थ्री हो जाएगा श्वास नियंत्रण, बी का थ्री हो जाएगा। एंड समाधि, समाधि किसे कहेंगे, आत्मनिरीक्षण, जिसे कुछ पता ना रहे, एकदम आत्मनिरीक्षण अपने आप में विलीन हो जाए, तो उसे कहते हैं समाधि, यानी डी का वन हो जाएगा। आसन एक अवस्था है, बॉडी पोस्चर है, तो ए का फोर हो जाएगा। एंड धारणा जो है किसी एक वस्तु पर ध्यान लगाना, धारणा है, इस प्रकार सी का टू हो जाएगा। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर क राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको अभिकथन से रिलेटेड है। तो अभिकथन ये है कि खेल प्रशिक्षण के सभी सिद्धांतों में से प्रशिक्षण भार के सिद्धांत और प्रशासनिक प्रत्यादन सबसे महत्वपूर्ण है। आर है इन सिद्धांतों में से कोई भी त्रुटि खिलाड़ियों के उच्च निष्पादनता में बाधक हो सकती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ख राइट है, ए और आर दोनों सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन ए है कि लोग प्रायः खेल तथा अभ्यास में हिस्सा क्यों लेते हैं, इसकी पहचान करना संभव है कि यह याद रखना है कि हर व्यक्ति के भाग लेने के उद्देश्य भिन्न भिन्न होते हैं तथा वे विशिष्ट हो सकते हैं। तो ये बात राइट है। एंड आर है कि किसी विशिष्ट खेल में भाग लेने के पीछे व्यक्तिगत एवं राजनीतिक अभिरुचियों की भी भागदारी हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे ए तो सत्य है, ए आर दोनों सत्य है, बट आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, ऑप्शन नंबर घ राइट होगा। नेक्स्ट है अभिकथन ए है कि सुपर कंपनसेशन प्रभाव को पैदा करने वाला प्रशिक्षण भार आगे प्रशिक्षण अवस्था को सुधारने में मदद करता है। तो ये बात राइट है। जैसे कि आप जानते हैं सुपर कंपनसेशन किसे कहते हैं, कि खेल क्रियाओं के दौरान एक ऐसी अवस्था भी आती है जब खिलाड़ी के अंदर जाने वाले ऑक्सीजन की सप्लाई व उससे प्राप्त होने वाली आवश्यक ऊर्जा की पूर्ति नहीं हो पाती, तो उस दौरान हम खेल क्रियाओं को बंद कर देते हैं तथा उस बंद अवस्था के दौरान आवश्यक ऑक्सीजन व ऊर्जा की पूर्ति कर लेते हैं तथा कुछ समय पश्चात पुनः खिलाड़ी अपने अंदर और ज़्यादा ऊर्जा का संचार हो जाता है तथा वह खेल गतिविधियों को सुचारू रूप से पुनः संपादित करने लगता योग्य हो जाता है। इसी अवस्था को सुपर कंपनसेशन पीरियड कहा जाता है। तो प्रशिक्षण भार आगे प्रशिक्षण अवस्था को सुधारने में मदद करता है, ये बात राइट है। ठीक है, तो आर है कि सुपर कंपनसेशन होने के बाद भार अगले अनुकूलन अवस्था में भार को बढ़ाया जाना चाहिए, ये बात राइट है, एकदम राइट है। ऑप्शन नंबर गो आपका सही होगा, ए और आर दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट है अभिकथन ए है कि यदि मुंह से ली जाए तो इंसुलिन अप्रभावी है। आर है कि वह प्राथमिक नलियों में ही खत्म हो जाती है क्योंकि आंतों द्वारा पचाने के लिए अणु का आकार बहुत बड़ा होता है। तो दोस्तों यहाँ पे ए सत्य है बट आर असत्य है। ए क्या है, यदि मुंह से ली जाए तो यह अप्रभावी होती है, इसलिए इंसुलिन को मुंह से नहीं लिया जाता है, इंजेक्शन के द्वारा या सांस के द्वारा लिया जाता है। तो इसके बारे में कुछ लाइन दिया हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं कि इंसुलिन को इंजेक्शन व सांस के द्वारा लिया जा सकता है क्योंकि हमारे अमाशय तथा छोटी आंत में उपस्थित पाचक रस इंसुलिन को पहले तोड़ देते हैं जिसके कारण वह रक्त वाहिनियों में नहीं पहुंच पाता। वस्तुतः इंसुलिन अग्नाशय से स्रावित होता है, जानते हैं आप कि अग्नाशय के बीटा कोशिका से लैंगर है इसकी बीटा कोशिका से स्रावित होता है जो शरीर की विभिन्न कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट तथा वसा तथा प्रोटीन से निर्मित ग्लूकोज द्वारा
ऊर्जा प्रदान करने में भूमिका अदा करता है। अगर इसी मात्रा का इसकी मात्रा रक्त में कम हो गई तो ग्लूकोज ऊर्जा बनने के लिए नहीं टूट पाता है, यानी खपत नहीं हो पाता है और वह रक्त में परिभ्रमण करने लगता है। इसी को डायबिटीज या मधुमेह या शुगर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन यह है कि किसी भी खेल के टिकट का मूल्य मुख्यतः दर्शकों के टिकट की मांग पर निर्भर करता है। आ रहा है कि क्षेत्र से जुड़े दर्शकों की औसत आय से जुड़ा हुआ है, जिस क्षेत्र में खेल हो रहे हैं। तो यहाँ पे ग राइट होगा, ये सत्य है परंतु आर असत्य है। नेक्स्ट है, अभिकथन ए है कि जन संचार की सीमाएं एवं खेलों के बारे में हमारी दृष्टि की व्याख्या करता है कि हम इनका उपयोग करते हैं। आर है कि जन संचार खेलों के व्यवसायिक कारण के प्रभावों को व्यर्थ कर देता है, यह कभी भी उल्टा कर देता है, एकदम गलत है, ये व्यर्थ नहीं करता है और बढ़ाता है, इसलिए ए सत्य है और आर असत्य है। ऑप्शन नंबर घ आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, अभिकथन ए है कि अधिगम स्थिति में किसी भी कौशल के प्रशिक्षक द्वारा सीखना अन्य स्थिति में भी स्थानांतरित एवं उपयोग में लाया जा सकता है, एकदम राइट है, जो आप पहले से सीखे हुए हैं अन्य नए कार्य को सीखने में सहायता करता है, इसी को प्रशिक्षण का स्थानांतरण कहते हैं, ये बात राइट है। ठीक है, एंड आर है कि टेनिस के कौशल का उनके स्थानांतरण जिम्नास्टिक कौशल के अधिगम में हो सकता है। नो दोस्तों, टेनिस का बैडमिंटन में हो सकता है और खेलों में हो सकता है, बट जिम्नास्टिक में नहीं हो सकता। आर असत्य है आपका, तो ए सत्य है और आर असत्य है, ए सत्य है और आर असत्य है, खो आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है कि अभिकथन ए है कि अधिगम व्यवहार मानव संस्कृति की पहचान के लिए संप्रेषित होता है, यह सोचने का, विश्वास करने एवं क्रियाकलाप करने का एक तरीका है, तो राइट है यह। ठीक है, आर है कि बच्चा जिस संस्कृति में जन्म लेता है उसके उसी क्रियाकलाप संस्कृति से निर्देशित होते हैं, दोनों ऑप्शन वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत राइट है, तो आपका राइट हो जाएगा क कि ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या है। तो दोस्तों आज के सेशन में ये 45 क्वेश्चन थे, सभी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट थे, आई होप कि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, जो भी डाउट होगा मुझे कमेंट में बताइए, मैं डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो दोस्तों इसी तरह आप डेली बेसिस से प्रैक्टिस करते रहिए एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया कीजिए दोस्तों, एंड फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए।